के अंत में हम सभी होली मना रहे होंगे, तो होली एक ऐसा त्यौहार है भारत के अंदर जो कि अगर आप देखोगे तो टॉप 4 फेस्टिवल में से आता है और पूरे देश के ही अंदर ये मनाया जाता है। अब जब हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इस समय पर फागुन मास में पूर्णमासी के दिन जब सूर्य या तो कुंभ राशि या मीन राशि में होते हैं या फिर चंद्र जो है वो कन्या या सिंह राशि में होते हैं तब ये त्यौहार पड़ता है। तो जब इस तरीके की प्लैनेटरी पोजीशन बनती है, जब ये दोनों ग्रह सूर्य और चंद्र मतलब एक आत्मकारक और एक मनकारक अपने आमने सामने होते हैं और फागुन का मास होता है, तो एक स्पेशल तरीके की एनर्जी इस ब्रह्मांड में निकलती है। ये जो एनर्जी है ये है परिवर्तन का एनर्जी, यानी कि ये वो टाइम है, ये वो दिन होता है जिस दिन होली का दहन होता है, जिस समय आप अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। अब परिवर्तन कैसा? परिवर्तन ऐसा जैसे कि हमने पौराणिक स्टोरीज में हमने अमूमन सभी ने ही सुन रखा है ये कि ये हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद की कहानी है। अगर मैं इसको थोड़ा और पीछे लेके जाऊं तो अदिति जो दैत्यों की माँ थी उनकी जो संतानें थीं उनमें से एक हिरण्यकश्यप और उनका पुत्र प्रहलाद हुआ। हिरण्यकश्यप जैसा सबको पता ही है कि दैत्यों का हमेशा भगवान विष्णु से बहुत ही बैर रहा है और इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती थी। बट ये जो प्रहलाद था ये भगवान विष्णु का प्रार्थना करता था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। इस कारण से हिरण्यकश्यप को वे बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने कई तरीके के प्रयत्न किए कि ये व्यक्ति, ये प्रहलाद जो है इस धरती पर नहीं रहे। फाइनली उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया जिसको ये वरदान था कि अग्नि उसको नहीं जला सकती, क्योंकि उनके पास कुछ इस तरीके का वस्त्र था कि अग्नि की लपटों से वो बच सकती थी। तो होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर दहन करने के लिए बैठी ताकि प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि होलिका स्वयं जो थी वो बहुत, उनमें भी दैत्यों जैसी प्रवृत्ति नहीं थी। दैत्यों की प्रवृत्ति का मतलब है पावर के लिए हंगरी होना, अपने ही विषय में सोचना, अभद्र व्यवहार करना, अपने शब्दों से लोगों को हानि पहुंचाना और बहुत ही अहंकार में रहना, ये प्रवृत्तियाँ होलिका में भी नहीं थी। इसीलिए जब वो दहन करने बैठी तो उनको ये पता था कि वो ये काम गलत कर रही हैं और इस कारण से जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण करना चालू किया तो स्वयं होलिका ने ही अपना वो कपड़ा जो है वो प्रहलाद के ऊपर रख दिया और होलिका का दहन हो गया और प्रहलाद बच गए। तो ये कहानी हमें क्या बता रही है? ये कहानी हमें बता रही है कि ये जो त्यौहार है होलिका, ये अपने अंदर की दैत्यों जैसी या फिर असुरों जैसी प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए है। ये एक ऐसा दिन है जो हमें ये बताता है कि अगर आपके अंदर सात्विक प्रवृत्तियां हैं, अगर आपके अंदर सुर जैसी प्रवृत्तियां हैं तो किसी भी तरीके की अग्नि भी आपका नाश नहीं करती। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपने देश के अंदर इस दिन हम ये कहते हैं कि कोई दुश्मन भी मिल जाए तो उससे भी गले लगने का दिन। इसका तात्पर्य ये है कि ये वो टाइम है, होली का दहन का जो वो टाइम है, ये टाइम है जब आप अपने अंदर की इन वृत्तियों को छोड़ सकते हैं, आप अपने अंदर के इन नेगेटिव एक्टिविटीज़ को त्याग कर सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं और भगवान की प्रार्थना में रत हो सकते हैं। इसीलिए एक ये त्यौहार जो है वो दो दिन के लिए बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा पहले एक रात को ये होलिका का दहन होता है और होलिका का दहन होता है मतलब ये वो दिन है जो इससे पहले वाला दिन है, ये वो दिन है जब मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि इस साल मुझे अपने अंदर से कौन कौन सी नेगेटिव वृत्तियों को निकालना है। और अगले दिन हम एक पवित्रता के साथ में जब हम कुछ ऐसा त्याग कर देते हैं, जब कुछ हम छोड़ देते हैं तो अगले दिन हमारे अंदर केवल सत्व बचता है। इसीलिए वो टाइम उत्साह का, त्यौहार का, उल्लास का टाइम, और इसीलिए उस दिन सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं। अगर साल भर कोई बैर रहा हो उस दिन भी उस दिन को जाकर मिलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से अगर आप देखोगे तो होली एक ऐसा दिन है जब आप अपने अंदर के नेगेटिव पैटर्न को छोड़ सकते हो, आपके अंदर जो भी दबा हुआ है, आपके अंदर जो आपको साल भर से कष्ट दे रहा था उसका त्याग कर सकते हो। दूसरी भी कई कहानियाँ हैं, कुछ साउथ इंडिया से भी हैं, भगवान शिव से संबंधित कुछ कहानियाँ हैं, भगवान कृष्ण से संबंधित कुछ कहानियाँ, भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित। आपने देखा होगा कि
मथुरा में या भगवान कृष्ण के जहाँ भी प्रमुख स्थान है वहाँ पर होली बहुत उल्लास से मनाई जाती है, इसीलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ही वो स्वरूप है जिसकी 16 कलाएं खिली हुई हैं, जिसके अंदर किसी तरीके की कोई वृत्ति नहीं है, जिसके अंदर वो क्षमा भाव है, जिसके अंदर वो भाव है जो कि सबको आनंद की तरफ आकर्षित करता है। तो होली इस भाव से बनाए कि मुझे अपने अंदर से मेरे अंदर जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनका दहन करना है, एंड देन यू कैन टेक रियली एडवांटेज ऑफ दिस पूर्णमासी, और उस दिन आप अच्छे से अच्छा भोजन करें, कोई नेगेटिव चीज़ों को अपने पास नहीं आने दें, किसी तरह के नशे से बचें, तो आप अपना पूरा साल भर आगे का सुधार सकते हैं। तो इसी कामना के साथ सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको होली मुबारक हो, जय गुरुदेव।